हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डोसा बैटर, आलू मसाला, चटनी से लेकर सांभर तक सब बनाना बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डोसा बैटर बनाऊंगी। डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल लिया है। आप कोई भी एक साइज की कटोरी ले लीजिए। तो चावल मैंने यहाँ पे 3 कटोरी लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे उड़द दाल ली है बिना छिलके वाली। वैसे 3:1 का रेशियो होता है। जैसे चावल हमने 3 कटोरी लिए हैं तो हमको उड़द दाल 1 कटोरी लेनी है। और पोहा यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिया है और मेथी दाना 1 चम्मच। अब हमें इन सारी चीजों को भिगो के रखना है 7 से 8 घंटे के लिए। तो देखिए पानी कितना गंदा सा लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे पानी से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। और याद रखिए कि मेथी के दाने इसके साथ नहीं भिगोने हैं हमें, वो हम अलग से भिगोएंगे। तो देखिए मैंने ये दाल चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है अच्छे पानी से। और अब हम इसको पानी में भिगोकर छोड़ देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। और हमने जो यहाँ पे मेथी दाना लिया था उसको हम अलग से भिगोएंगे। इसको अच्छे पानी से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। और याद रखिए कि मेथी के दाने इसके साथ नहीं भिगोने हैं हमें, वो हम अलग से भिगोएंगे। तो देखिए मैंने ये दाल चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है अच्छे पानी से। और अब हम इसको पानी में भिगोकर छोड़ देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। देखिए दाल और चावल जो हमने भिगो के रखा था 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और दाल और चावल अच्छे से फूल गया है। और जो मैंने यहाँ पे मेथी ली थी उसका पानी निकाल दिया है और अच्छे पानी से इसे वॉश कर लिया है। और जो पोहा लिया था उसको भी मैंने अच्छे पानी से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। अब हम इन सारी चीजों को मिक्सी में डाल के एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में आपको पीस लेना है। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। एक साथ आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है डोसा बनाने के लिए। अगर हम इस टाइम पे डोसा बनाएंगे इसका तो बिल्कुल ही वो तवे पे ही चिपक जाएगा। तो इसलिए हमें इसको 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। तो डोसा बनाने के लिए याद रखिए आपको मोटे चावल का ही यूज करना है। बहुत ही जो सस्ते वाले चावल होते हैं ना उससे डोसा बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन अगर आपके पास वो चावल नहीं है तो आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। देखिए डोसा बैटर को रखे हुए हमें यहाँ से 5 से 6 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और ये डोसा बैटर रेडी है। तो डोसा के लिए मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधा नारियल लिया था और उसको ऐसे कट करके अच्छे पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली है, ये कच्ची मूंगफली है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है रोस्टेड चना, जो सत्तू वाला होता है ना चना, वही मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ले लिया है। और याद रखिए आपको ये तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। हाँ आप नारियल थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही का यूज किया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू भी ले सकते हो। और 2 बड़े साइज का मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ले ली है और 3 से 4 लहसुन की कलियां ले ली हैं। और अब चलते हैं, सबसे पहले हम ये मूंगफली रोस्ट कर लेंगे। ये कच्ची मूंगफली है इसलिए हम सबसे पहले इसको रोस्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, साथ ही साथ इसके छिलके भी निकाल लिए हैं। अब चलते हैं इसको मिक्सी में डालेंगे। मिर्ची ली थी इसको भी डाल देंगे, इसमें लहसुन डाल देंगे, दही भी डाल देंगे और नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी रेडी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल के गरम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच राई लिया है, 8 से 10 कड़ी पत्ते एकदम फ्रेश ले लिए हैं यहाँ पे। और ये 1 लाल मिर्ची ली है खड़ी। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे राई, गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और फिर लाल मिर्ची डाल देंगे, कड़ी पत्ता निकाल के डाल देंगे इसमें। ये सारी चीजें अच्छे से टटक जाएं तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए तड़का हमारा रेडी है और हम इसको चटनी में डालेंगे। ये लीजिए हमारी नारियल की चटनी एकदम रेडी है। और अब हम चलते हैं सांभर बनाने की प्रोसेस पे। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी अरहर की दाल, जिसको मैंने सोक कर लिया था आधे घंटे पहले ही और फिर इसको अच्छे पानी से वॉश कर लिया है।
और सांभर में डालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कट कर लिए हैं। ये मैंने लिया है एक बैगन, ये एक मूली ली है मीडियम साइज की, यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, ये मैंने बीन्स ली है 4 से 5, दो गाजर लिया है यहाँ पे, और ये ड्रमस्टिक लिया है मैंने 2। सहजना फली जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इन सारी सब्जियों को और दाल को मिक्स करके कुकर में बॉईल कर लेंगे ड्रमस्टिक को छोड़ के, क्योंकि ड्रमस्टिक को अगर हम साथ में डाल देंगे कुकर में तो ये एकदम मेल्ट हो जाएगी दाल के साथ में, दिखेगी नहीं फिर। तो इसको हम अलग से बॉल में बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है जिसमें मैंने दाल डाल दी है, सारी वेजिटेबल्स भी मैं इसमें डाल दूंगी। गाइस सांभर खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां डाल दी हैं, सिर्फ मैंने ड्रम स्टिक को छोड़ रखा है, इसको मैं बाद में अलग से बॉईल करके डालूंगी। अब मैं यहाँ पे हल्दी भी डाल दूंगी, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी ली है उसको डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। और अब मैं यहाँ पे पानी डालूंगी। वैसे तो सांभर खाने में पतला ही अच्छा लगता है, लेकिन आपकी पसंद से आप पानी डाल सकते हैं। और बस आप कुकर को बंद करके इसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। ये मैंने यहाँ पे एक साइड दाल को बॉईल करने रखा है और एक साइड ड्रम स्टिक को बॉईल कर लूंगी, और ड्रम स्टिक को बीच बीच में चेक करते जाएंगे ताकि ये ज्यादा बॉईल नहीं हो जाए। वैसे तो ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, तो हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दाल है उसके साथ जो मैंने सब्जियां डाली थी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। हाँ, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं पानी को गर्म करके इसमें डालूंगी। और जो मैंने यहाँ पे ड्रम स्टिक बॉयल की थी वो भी अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम इस दाल को फ्राई करेंगे, फ्राई करने के साथ ही हम इसमें ड्रम स्टिक को डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ गर्म करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इतना पतला कर लिया है, अब चलते हैं इसको फ्राई करना है। सांभर को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया है, और 1 खड़ी लाल मिर्ची ली है, और 8 से 10 करी पत्ता लिया है, और 2 हरी मिर्ची ली है जिसको ऐसे कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच राई, और 1 चम्मच उड़द दाल ली है बिना छिलके वाली, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज का नींबू जिसका मैंने रस निकाल लिया है। वैसे तो इसमें इमली का रस डलता है, लेकिन मेरे पास इमली नहीं थी तो मैं यहाँ पे लेमन जूस का यूज कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे ले लिया है सांभर पाउडर, अगर आपके पास सांभर पाउडर नहीं है तो आप सांभर मसाला भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है जिसको मैंने गरम कर लिया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल को गरम होने लेंगे। तो ऑयल भी गरम हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें डालेंगे ये राई और उड़द दाल, खड़ी लाल मिर्ची, करी पत्ता, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और ये हरी मिर्ची, साथ ही इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो देखिए प्याज को हमने एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। याद रखिए आपको हल्दी कम ही डालना है, क्योंकि जब हमने दाल को बॉईल किया था तब भी मैंने हल्दी का यूज किया था। और अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच सांभर पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें लेमन जूस जो हमने निकाल के रखा था, इसको सारे मसालों को अच्छे से 2 मिनट तक के लिए ऐसे भून लेंगे। चम्मच और नमक डाल रही हूँ क्योंकि जो हमने दाल बॉईल की थी ना उसमें हमने बाद में पानी ऐड किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक और डाला है। तो ये सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से पक चुके हैं, अब हम अपनी इसमें दाल डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दाल इसमें डाल दी है, इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे और ढक के इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारे अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाए, तो सांभर अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये जो ड्रम स्टिक है मैं इसको बाद में डालूंगी वरना ये और ही पक जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं खोल के।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सामान रेडी है, बस हम इसमें ड्रम स्टिक डाल देते हैं और इसको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इस स्टेज पे हम अब गैस को बंद कर देंगे। इस सांभर में तो हींग बहुत ही जरूरी होता है डालना, तो पहले मैं डालना भूल गई हूँ इसलिए मैं तड़का लगा लेती हूँ। 1 चम्मच हींग और 1 आधी चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल के इसका तड़का लगा लेती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हींग मैंने डाल दिया है। अब जो है सांभर एकदम बन के रेडी है। डोसा के लिए बनाने जा रही हूँ उसका मसाला जो आलू वाला होता है ना वो, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़े साइज का प्याज और यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है और ये चने की दाल थी उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये थोड़ा सा राई लिया है और 2 हरी मिर्ची और ये आलू जो लिया है ना मैंने बॉइल करके इनको ऐसे मैश कर लिया है। आपको ज़्यादा ज़्यादा बहुत ही बारीक नहीं तोड़ना है, इतना रखना है इसको। तो चलिए आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो आलू फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है जिसको अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 चम्मच ऑयल डाला है और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे थोड़ी देर। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे राई। कड़ी पत्ता अब जो ये चना डाल ली थी इसको डाल के अच्छे से 1 मिनट के लिए ऐसे भून देंगे। ये चना दाल मैंने ऐसे ही लिया है बिना सूप किए, जब तक इसका कलर डार्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। आप चाहे तो सोक करके भी ले सकते हैं चना दाल, 1 घंटे पहले आप सोक कर दीजिए वैसे भी ले सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है चना दाल को, अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हम इसमें आलू डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आपको आलू ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप ऐसे स्पैचुला की हेल्प से इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे मैश कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है आपको, 2 चम्मच ही पानी डालना है ताकि जो हम ये मसाला डोसे में लगाए ना तो ये अच्छे से उसमें चिपक जाए। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ पानी। पानी डालने से क्या होता है मसाला जो है डोसा में अच्छे से चिपक जाएगा, सूखा सूखा नहीं रहता है। हम इसको थोड़ी देर तक और ऐसे फ्राई कर लेना है। बस आलू मसाला हमारे बनके रेडी है और अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी। तो साइड में रख के अब चलते हैं डोसा बनाने। तो देखिए डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा का यूज़ किया है, इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तवा अच्छे से गर्म हो गया, अभी इसमें ऑयल लगा लेंगे, पूरे तवे में अच्छे से फैला लेना है।
अब हम इसको किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर देखिए तवा अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया है, हम इसमें पानी डाल के चेक करेंगे तवा अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और आप किसी भी टिश्यू पेपर लेकर इस तवे को साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको अच्छे से तवे को पोंछना है उससे। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी, बैटर डालने के बाद इसको हमें सेंटर से लेते हुए चलाना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है सेंटर से लेते हुए, बहुत ही इजी है गाइस, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाना है इसको ऐसे। देखिए डोसा हमारा बन गया है और हम हाई फ्लेम कर देते हैं, अब इसको हाई फ्लेम पे हम सेक सकते हैं। जब तक डोसा पक रहा है तब तक मैं इसमें आलू लगा लूंगी, उससे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी थोड़ा सा। जब ये पकने लगेगा ना तो ये अपने आप ही नीचे यहाँ तवा छोड़ देगा, अपने आप ही छोड़ देगा। देखिए इतने अच्छे से तवा छोड़ दिया इसने। देखिए मैं इसमें आलू लगा लूंगी, तो देखिए डोसा अच्छे से पक गया है और अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके अच्छे से निकाल लूंगी। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ प्लेन डोसा कैसे बनता है, वो भी बना के दिखाती हूँ। अब हमें इसमें ऑयल नहीं लगाना है, बार बार सिर्फ ऐसे पानी डालना है और तुरंत बैटर डाल देना है, गैस का फ्लेम लो कर देना है और बस इसको सेंटर से रख के ऐसे चलाते हुए इसको गोल गोल घुमा लेना है, जोर नहीं लगाना है इसमें, बहुत ही हल्के हाथों से। देखिए डोसा बनके रेडी है, बस पकने की देर है। जैसे ही आप डोसा फैला लेना उसके बाद फ्लेम हाई कर लीजिए। हम इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी ये डोसा खा सकते हैं, बस थोड़ा सा ऑयल कम डालिए, बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए ये अपने आप ही तवा छोड़ देता है, देखिए थोड़ा सा पकने के बाद अपने आप ही तवा छोड़ देता है। तो ये लीजिए, ये भी डोसा पक गया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये मैंने प्लेन बनाया था इसलिए मैंने आलू नहीं लगाया है इसमें, इसको निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें रेडी कर ली हैं और अब चलते हैं इसको सर्व करने। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्लेट, उसमें मैंने ये लिया है केले का पत्ता, इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में सर्व करके दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले इसमें डोसा रख लेते हैं जो हमने बनाया अभी, ये मसाला डोसा और ये प्लेन डोसा। ये देखिए ये जो सांभर हमने रेडी किया था और ये नारियल की चटनी। तो ये लीजिए साउथ इंडियन, एकदम साउथ इंडियन डोसा बनके रेडी है, एंजॉय कीजिए, जाइए जल्दी से अपने घर पे ट्राई कीजिए और प्लीज मुझे बताइए कि कैसा टेस्ट है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। थैंक यू।